दोस्तों, साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट आज दुनिया भर में वियर्ड डिस्कवरीज करने में लगे हुए हैं। ये ऐसी ऐसी डिस्कवरीज को अंजाम दे रहे हैं जिनके बारे में आज से पहले किसी ने सोचा तक नहीं होगा। अब तक ये कई सारी ऐसी छोटी बड़ी चीजों की खोज कर चुके हैं जो बहुत अमेजिंग है, और बहुत से केसेस में तो इनकी खोज की कहानी भी इनक्रेडिबल है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हाल ही में की गई कुछ इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आपका सिर चकरा जाएगा। इसलिए प्लीज वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, एन एंशियंट हॉर्स। घोड़े सभी को पसंद आते हैं, चाहे वो रेस का घोड़ा हो या फिर बारात का। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेशन के दौरान इंग्लैंड में एक एंशियंट हॉर्स का स्केलेटन खोजा है, जो कि ओल्ड ग्रेवल क्वारी के एक गड्ढे में मिला है। यह स्केलेटन आज से करीब 2000 साल पहले यानी कि रोमन समय का है। इसके आसपास खुदाई के दौरान मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े और कई दूसरे जानवरों के स्क्रैप्स भी मिले हैं। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि एलिसन डिकन ने कैम्ब्रिज आर्कियोलॉजी यूनिट के साथ बातचीत करने के बाद कहा कि ये डिस्कवरी रोमन एक्टिविटीज के साथ साथ इंसानों और घोड़ों में 2000 साल पुराने रिश्ते को भी दर्शाती है। पर जब इस घोड़े के स्केलेटन पर रिसर्च की गई, तब पता लगा कि इस घोड़े का 2000 साल पहले एक पैर टूटा था। तो क्या उसकी मौत पैर टूटने के कारण हुई या फिर किसी साजिश के कारण, ये रहस्य आज भी रहस्य है। नंबर 9, बूट लेगर विस्की। ये बात काफी ज्यादा वियर्ड है। दरअसल निक ड्रमंड और पैट्रिक बैकर ने न्यूयॉर्क सिटी के एज पर बने एम्स नाम के गांव में एक मकान खरीदा था, जिसके बारे में लोगों का ये मानना था कि यह घर 1920s में एक बूट लेगर था, जो शुरुआत में उन दोनों को भी सुनने में अजीब लगा। लेकिन ये उन्हें सच भी लग रहा था, क्योंकि वो घर 1915 में बना था, लेकिन उसके बाद उन्हें भी ये एक अफवाह लगने लगी। पर एक दिन अचानक से निक को कुछ अजीब फील हुआ और उसने अपने पास बना एक मिट्टी का कमरा तोड़ दिया, जिसमें उसे एक ब्राउन पैकिंग के अंदर से करीब 6 विस्की की बॉटल्स मिली, और वो भी स्ट्रॉ के साथ, जिससे उन्हें ये विश्वास हो गया कि ये घर एक समय पर बूट लगर ही था। बाद में जब इनके ऊपर रिसर्च की गई, तब पता लगा कि ये बॉटल्स वाकई 1920s की हैं, जो कि एक अब तक की गई सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। नंबर 8, जायंट हेड इन अ चाइनीज वेल। ये चाइना में की गई अब तक की सबसे फैसिनेटिंग डिस्कवरी है। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एंशियंट चाइनीज वेल में एक प्राचीन मानव का स्कल खोजा है। इस स्कल का आकार साधारण मनुष्य के स्कल के काफी ज्यादा बड़ा है, जिसने दोबारा साइंटिस्ट को ह्यूमन रेवोल्यूशन के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह स्कल करीब 146,000 साल पुराना है, लेकिन इस स्कल में सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि इसमें प्रिमिटिव होमिनिड्स और मॉडर्न ह्यूमन दोनों के फीचर्स हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्कल की प्रजाति वाले ह्यूमन ड्रैगन मैन स्पीशीज से संबंध रखते थे, और इन्हीं सभी कारणों के चलते ये सबसे ज्यादा यूनिक या कहें डरावनी खोजों में से एक है। नंबर 7, सिविलाइजेशन अंडर अ लेक। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक रेगिस्तान में पानी के नीचे एक एंशियंट सिविलाइजेशन की खोज की है, जो बहुत ज्यादा अजीब है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जगह पर आज से करीब 25 शताब्दी पहले एक एंशियंट ह्यूमन सेटलमेंट था। ये खोज लेक इससे कुल में की गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट का इस बारे में ये मानना है कि ये सिविलाइजेशन उतना ज्यादा ही एडवांस था जितना कि हेलेनिस्टिक डायनेस्टी थी, और अगर आप चाहें तो इसे एंशियंट ग्रीस से भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस जगह को 3 देशों के अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट विजिट कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने उस जगह पर बड़ी बड़ी दीवारें खोजी हैं, जो करीब 1500 फीट तक फैली हुई हैं। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से कई प्राचीन हथियार और सोने से बने आर्टिफैक्ट्स भी खोजे हैं। ये डिस्कवरी किर्गिस्तान में की गई सबसे अद्भुत डिस्कवरी है। नंबर 6, फास्ट डायनासोर्स। साल 2021 के दिसंबर महीने में की गई ये रिसर्च सबसे अद्भुत और अजीब है। दरअसल वैज्ञानिकों ने 2021 में एक रिसर्च के दौरान ये पाया है कि कार्निवोरस डायनासोर आज की मॉडर्न कार से भी ज्यादा तेज भागा करते थे। इस रिसर्च की शुरुआत थेरापोड्स नाम के एक डायनासोर द्वारा एक लेक बेड पर छोड़े गए फुटप्रिंट से शुरू हुई। ये फुटप्रिंट्स का सेट स्पेन में मौजूद है, जिसे देखते हुए एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये क्रीचर 44.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये फुटप्रिंट्स क्रिटेशियस पीरियड के दौरान यानी कि 145 से 66 मिलियन साल पहले के हैं। साइंटिस्ट आज तक ये अंदाजा तो नहीं लगा पाए हैं कि ये थेरापोड्स की कौन सी प्रजाति थी, लेकिन ये जो भी प्रजाति थी वो करीब 7 फीट ऊंची और 16 फीट लंबी थी। लेकिन डायनासोर की इतनी तेज गति के बारे में जानना साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट में से एक है। नंबर 5, द इमोरल हाइड्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्राणी हमेशा जीवित रह सकता है?
ये बात हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन हाल ही में हुए एक शोध में एक ऐसे जीव का पता चला जो कभी नहीं मरता और ये ताजे पानी में पाए जाने वाले जीवों में से एक है। इस जीव का नाम हाइड्रा है। एक स्टडी के अनुसार हाइड्रा 1 सेंटीमीटर तक लंबा होता है जिसकी उम्र अज्ञात है। अगर इसे आइडियल कंडीशंस के तहत देखा जाए तो उम्र के किसी असर के बगैर ये लगातार जीवित रह सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका स्पोमना कॉलेज के प्रोफेसर डैनियल मार्टिन ने कहा कि मेरा विश्वास है कि हाइड्रा अनयूजुअल कंडीशंस में भी जीवित रह सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि हाइड्रा बुढ़ापे के असर से अछूते नहीं है। इस जीव का ग्रीक माइथोलॉजी में भी वर्णन किया गया है। नंबर 4, नियांडरथल डेथ राइट्स। आज से करीब 70,000 साल पहले एक नियांडरथल को शानिडर केव में दफनाया गया था जो आज इराक में मौजूद है, जिसे आज के मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है और इसी के साथ एक नई कहानी की भी खोज की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले भी इस केव में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को खोजा जा चुका है, लेकिन 2016 से 2019 के बीच हुए एक्सकेवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने दोबारा उस केव से एक और कब्र खोजी, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगाया कि ये जगह नियांडरथल के लिए एक प्रकार का कब्रिस्तान था और नियांडरथल का मानना था कि उनका जन्म गुफाओं से हुआ है और मृत्यु के बाद भी उन्हें गुफाओं में ही रहना चाहिए, इसलिए वहाँ के लोग इस अलग परंपरा का पालन करते थे और ये डिस्कवरी नियांडरथल कल्चर के सबसे अलग होने को दिखाती है, जो बहुत अमेजिंग डिस्कवरी है। नंबर 3, यमन्स वेल ऑफ हेल। दोस्तों, वैज्ञानिकों को खाड़ी देश यमन में नरक का कुआं यानी कि वेल ऑफ हेल मिला है। इस कुएं में बहुत सारे सांपों के झुंड और झरने हैं। कुछ लोग इस कुएं को पाताल का रास्ता बताते हैं तो कुछ इसे जिन्नों की जेल भी कह रहे हैं। कई दशक तक लोकल लोग इस कुएं के पास जाने से डरते रहे क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि नरक के कुएं में अपनी तरफ खींचने की ताकत है। और इन सभी दावों के बाद लाइफ साइंस ने इस पर रिसर्च की और बताया कि यमन में मिले नरक के कुएं का आधिकारिक नाम वेल ऑफ बहरोट है, जो करीब 367 फीट गहरा है। इसका डायमीटर 98 फीट है। रिसर्चर्स की टीम के एक सदस्य और प्रोफेसर मोहम्मद अलकिंडी ने कहा है कि वो जानना चाहते थे कि कुएं के अंदर क्या है, क्योंकि इस रिसर्च से उन्हें यमन के इतिहास से जुड़ी कई जानकारियां मिल सकती हैं। ये वेल ऑफ हेल क्या सच में नरक का द्वार है, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं है। नंबर 2, अ जायंट प्लैनेट। एस्ट्रोनॉट की एक टीम ने अब तक पाए गए ग्रहों के सबसे बड़े और सबसे विशाल मेजबान स्टार सिस्टम की एक छवि पर कब्जा कर लिया है, जिसे बी सेंचुरी नाम के विशाल ग्रह के रूप से जाना जाता है। ये सेंचुअर से लगभग 325 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस बी सेंचुरी नामक एक विशाल बाइनरी स्टार की परिक्रमा करते हुए खोजा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नंगी आंखों से दिखाई देने वाला ये ग्रह बृहस्पति से 10 गुना बड़ा है, जिसके कारण ये अब तक के सबसे विशाल ग्रहों में से एक है। इसके अलावा ये सूर्य से बृहस्पति की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से 100 गुना अधिक दूरी पर बाइनरी स्टार की परिक्रमा करता है, जो अब तक खोजी गई सबसे वाइड ऑर्बिट्स में से एक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सेंटर ऑफ स्टार से इतनी दूरी पर इस ग्रह का अस्तित्व होना कोई मामूली बात नहीं है। मार्कस यानसन, जो कि एक स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी स्वीडन में एक एस्ट्रोनॉट हैं, उनका कहना है कि बी सेंचुरी के चारों ओर एक ग्रह खोजना बहुत रोमांचक था, क्योंकि ये ग्रहों की मेजबानी करने वाले बड़े सितारों की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देता है। ये डिस्कवरी अब तक की सबसे आश्चर्यजनक डिस्कवरी में से एक है। नंबर 1, एन ओरिजिन ऑफ हॉर्सेस। दोस्तों, ये बात काफी हैरानी भरी है कि मनुष्य ने 4200 साल पहले ही घोड़ों पर सवारी करना सीख लिया था और घोड़ों को एंशियंट पीपल भी आज के लोगों की तरह ही सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि घोड़े सबसे पहले एशिया और यूरोप में पाए जाते थे, जिनका उपयोग कर लोग वेट लोडिंग का काम करते थे, पर ऐसा केवल दावा किया जाता रहा है। पर आखिर में घोड़े की ये पालतू प्रजाति कहाँ से आई, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। इसके ऊपर कई सैकड़ों साइंटिस्ट की टीम ने रिसर्च की तो पता लगा कि ये सदर्न रशिया में सबसे पहले पाए जाते थे और यही इनकी बर्थ प्लेस है। ये डिस्कवरी किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।